इकलौता पूरे खानदान में पहली बार है ना जो सर्विस में आया हूँ। स्टूडेंट लोग के रूम में मैप ही रहता है ज़्यादातर। लाइब्रेरी नहीं जा पा रहा हूँ तो मैंने दो स्टडी टेबल रख रखा है कि कभी मैं यहाँ पढ़ूँ कभी मैं वहाँ पढ़ूँ, एटलीस्ट मेरा मन लगा रहे। पापा को कॉल किया तो पापा का फ़ोन उस टाइम लगा नहीं था, तब तक मम्मी ने बता दिया था। तो फिर पापा का कॉल आया तो पापा भी बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। जो ये BPSC जो एग्ज़ाम है ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसका वैकेंसी 2018 का आया हुआ है, अब जाके क्लियर हुआ है ये। मैंने और भी एग्ज़ाम्स दे रखे हैं जैसे 65th हो गया, UPSC मेंस हो गया, तो UPSC BPSC स्टेट PCS मैंने दे रखा है। ये सक्सेस फेलियर तो निरंतर है, वो तो चलते रहता है। ये था कि मुझे अंदर से विश्वास था कि मैं कर लूँगा, तो मैं कभी भी डीमोटिवेट होता तो था ही, लेकिन उससे जल्दी उभरने का कोशिश करता था। डीमोटिवेशन अगर किसी को ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन आप कितना जल्दी उस चीज़ से उभर जाते हैं ये बड़ी बात। ये बोलूँगा कि जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। जगह हाईलाइट कर रखा है और उसके मैंने यहाँ नोट्स बना रखे हैं, इसको कॉन्साइज वे में, अब मैं सिर्फ इसी को पढ़ता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं आकाश सर, जो अभी हाल ही में बिहार PCS का जो रिजल्ट आया था उसमें उन्होंने 199 रैंक के साथ बिहार रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। तो सर की स्ट्रेटजी जानेंगे कि सर की स्ट्रेटजी क्या रही, क्या टाइम टेबल फॉलो किया, साथ में उनका जो रूम है वो किस तरीके से अपने रूम में चीज़ें रखते थे और किस तरीके से वो पढ़ते थे उसको दिखाएंगे, उनका स्ट्रगल दिखाएंगे कि उनका स्ट्रगल किस तरीके का रहा है और आज इस मुकाम पर वो पहुँचे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने रूम का आपको टूर कराता हूँ। ये है कोर्स मैंने लगा रखा है अपने एसे और एथिक्स के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल टू होल्ड अ पेन इज टू बी एट वॉर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट है, यहाँ पर मैं सब पूरा एक साथ ग्लैंस करके देख लेता हूँ सब कुछ। ये ज्योग्राफी का चार्ट है, इसमें आपको दिखेगा नहीं अंदर, मैं छोटे से छोटे जगह पे जो जो मिनरल्स पाए जाते हैं प्रॉपर, कौन कौन सी वेव्स चल रही है, मैं स्क्रीन हाई कहाँ है, तो वैसे करके सब कुछ, जैसे बे ऑफ बिस्के कहाँ है, तो ये सब मैंने वहाँ बना रखा है। मैं एक ही बार में प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ से कर लेता हूँ। ये मेरा बुक रैक है, ये मैंने प्रीलिम्स के लिए रख रखा है, ये मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का है अभी, ये मेरा मेंस के लिए है किताब, ये हिस्ट्री का चार्ट है। हिस्ट्री के चार्ट में भी अंदर अगर आपको अंदर दिख रहा हो तो इसमें हर जगह अंदर कुछ 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 लिखा हुआ है। इसको मैं एक ही बार में, जैसे कभी मेरे को मुश्किल से यहाँ जाने में 45 मिनट लगता है, 45 मिनट में पूरा निपटा देता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये भी ज्योग्राफी का मैप है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मैप है जो कि मैंने लिया है प्रमेश जैन जी से, प्लस वन में साइटेन की। ये हमारी, मेरा घड़ी नहीं घड़ा है। ये सब वही मैप्स हैं जो हमारे, जैसे हम लोग स्टूडेंट लोग के रूम में मैप ही रहता है ज़्यादातर। और ये मेरा प्रीलिम्स के लिए जो MCQ है, ये सब तैयारी करने के लिए है। ये भगवान जी हैं, ये बाबा जी है, बाबा जी नीम करोड़ी बाबा, इनके कारण मैं सक्सेस हुआ, जो भी हूँ मैं इनके कारण हुआ। मेरे पापा इनके बहुत बड़े भक्त हैं, तो ये नीम करोड़ी बाबा कैंची धाम इनका, ये हनुमान जी के भक्त हैं। ये मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे पास दो स्टडी टेबल है फिलहाल, क्योंकि जब से लॉकडाउन हो रखा है तब से मेरे पढ़ाई लाइब्रेरी नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने दो स्टडी टेबल रख रखा है कि कभी मैं यहाँ पढ़ूँ कभी मैं वहाँ पढ़ूँ, एटलीस्ट मेरा मन लगा रहे। आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम आकाश कुमार रोनियार है, मेरा मैं शारदा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2016 मेरा बैच है। ओके, तो सर अगर हम बात करें आपके फैमिली बैकग्राउंड की, तो सर फैमिली बैकग्राउंड क्या था? सर मेरे पापा बिजनेसमैन है और हमारे फैमिली में सब बिजनेस करते हैं, मैं ही इकलौता पूरे खानदान में पहली बार है ना जो सर्विस में आया हूँ,
जी। खानदान में मैं पहला लड़का हूँ जो कि सर्विस में आया हूँ, तो पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके सर, जब आपका रिजल्ट आया था तो सबसे पहले आपने किन को कॉल किया था? मैंने अपनी माँ को कॉल किया था। और उनका रिएक्शन क्या था? मम्मी सुनते ही, मम्मी को पता था कि रिजल्ट आज आने वाला है, तो बस फ़ोन में लगी हुई थी कि बस कब रिजल्ट आया। जैसे रिजल्ट आया मैंने बताया, मम्मी के आंसू मतलब रुक नहीं रहे थे। ओके सर, और आपके फादर जी का क्या रिएक्शन था? फिर मैंने पापा को कॉल किया, तो पापा का फ़ोन उस टाइम लगा नहीं था, तब तक मम्मी ने बता दिया था। तो फिर पापा का कॉल आया तो पापा भी बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। ओके तो सर, आप मुखर्जी नगर में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सर आपका कब आना हुआ मुखर्जी नगर जैसे एरिया में, या फिर मुखर्जी नगर जैसे माया जाल में? इस माया जाल में 2016 में, जैसे जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तभी मैं आ गया था यहाँ, तब से मैं तैयारी कर रहा था 2016 से, और अब जाके सिलेक्शन हुआ। तो इतने साल एक स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रगल बहुत था। इस 10x10 के कमरे में रहकर हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करते हैं। जब लोग जाग रहे होते हैं तो हम लोग, जब लोग अपने काम कर रहे होते हैं तो हम लोग दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो स्ट्रगल तो बहुत था। ओके सो सर, अगर हम बात करें कि जब आप दिल्ली आए तो दिल्ली का सबसे पहले का एक्सपीरियंस कैसा था, जब एक अनजान आता है? दिल्ली का एक्सपीरियंस तो मेरा हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली, जैसे दिल्ली कॉलेज मेरा ग्रेटर नोएडा से ही हुआ है जी। तो मैं बहुत पहले से परिचित था दिल्ली के बारे में। लेकिन हाँ, यहाँ दिल्ली में जो ऐसे, जैसे हम लोग जो इस छोटे से रूम में रहते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं, इस चीज़ से मैं परिचित नहीं था यहाँ आके। फिर देखा यहाँ के स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रगल कैसा होता है, कैसे बेचारे बच्चे दिन रात एक करके पढ़ते रहते हैं, उसमें ये 10x10 के कमरे में रह रहे के आदमी फ्रस्ट्रेट और होते रहता है। लेकिन हाँ, कोई मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए, लोग निकल जाते हैं। ओके सो सर, अगर हम बात करें मोटिवेशन आपको कहाँ से आया था, जैसे स्टेट पीएससीएस और यूपीएससी जैसी बड़ी सर्विस हो जाती हैं ये, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे आपको भी 4 साल लग गया करीब, तो उसमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो कहाँ से मिला ये? मेरा मोटिवेशन मुझे मेरी मम्मी से मिला था। ये मेरी माँ का सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी बनूं, और मैंने अपनी माँ का सपना अधिकारी बन के पूरा किया है। ओके सो सर, अगर हम बात करें जैसे कि आपका मुखर्जी नगर का फ्रेंड सर्कल होगा, तो फ्रेंड सर्कल ने आपको किस तरीके से हेल्प किया इस प्रिपरेशन के दौरान? फ्रेंड सर्कल में जैसे जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कभी भी मुझे डाउन नहीं फील होने दिया। उनको लगता था कि नहीं, तू कर लेगा, तेरा तो हो ही जाएगा। जैसे होता है ना कि नहीं, तेरे अंदर वो बात है, तू कर लेगा, तू बस मेहनत कर, तेरा सोचना मत, कुछ भी नेगेटिविटी मत आ, मतलब किसी का बात मत सुन, परिवार वाले या कोई भी हैं, किसी का बात मत सुन, तू बस अपना पढ़ाई कर। मैं बोलते थे कि अब मेरा भी वही मानना है कि जो भगवद गीता में लिखा है निष्काम कर्म, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो बस मैंने वही किया, मैं और आगे करते ही रहूँगा वही चीज़। ओके सो सर, अगर हम बात करें ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हो? ड्यूरिंग प्रिपरेशन जैसे अभी हाल ही में यूपीएससी मेंस था, अभी हाल का ही याद है मुझे, तो उस टाइम 31 दिसंबर को जब सब पार्टी कर रहे थे, मेरा 8 जनवरी से मेंस था, तो एक अंदर से एक खाली खाली सा लगता था कि सब जहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वहाँ मैं बैठ के रात भर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो एक अंदर से लगता था कि कब ये स्ट्रगल ख़त्म होगा जी। ओके सो सर, अगर हम बात करें सबसे पहले आप अपनी एग्ज़ाम जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी और उसका रिज़ल्ट क्या रहा? जो ये BPSC जो एग्ज़ाम है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहा था। इसका वैकेंसी 2018 का आया हुआ है, अब जाके क्लियर हुआ है ये। मैंने और भी एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, जैसे 65th हो गया, UPSC मेंस हो गया, तो UPSC, BPSC, स्टेट PCS मैंने दे रखा है। ओके सो सर, अगर हम बात करें आप यहाँ पर रहकर क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे अपनी प्रिपरेशन के लिए? टाइम टेबल मेरा इस प्रकार था कि मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता हूँ, और 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए जैसे 24 घंटे में से, तो बाकी टाइम ऐसा रखता हूँ कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फील ना हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया में आजकल लोग क्या करते हैं,
जैसे आज के डेट में फेसबुक अगर चला है, फेसबुक चलाता हूँ तो जो शॉर्ट्स करके शॉर्ट्स आते हैं, रील्स आते हैं, उसमें आप बैठ के आप स्क्रॉल करते रह जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका आधा घंटा कहाँ चला गया, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो मैं वैसा काम बिल्कुल मतलब जीरो कर दिया हूँ और मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ। लाइब्रेरी में एक पीयर प्रेशर बना रहता है और थोड़ा सा अच्छा फील होता है। बाकी अभी लाइब्रेरी बंद हो गई थी तो मैंने यहाँ दो स्टडी टेबल लगा रखे हैं, तो मैं यहाँ पर कभी यहाँ पढ़ता हूँ, फिर यहाँ से ऊब जाता हूँ तो फिर वहाँ पढ़ता हूँ। ओके तो सर जैसे कि आपने मेंस वगैरह दिया और जब नहीं हुआ तो उसके बाद डीमोटिवेट हुए होगे, तो सर उसको कैसे अपने आप को फिर से अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, मोटिवेट हुए? सर ये सक्सेस फेलियर तो निरंतर है, वो तो चलते रहता है। ये था कि मुझे अंदर से विश्वास था कि मैं कर लूँगा, तो मैं कभी भी डीमोटिवेट होता तो था ही, लेकिन उससे जल्दी उभरने का कोशिश करता था। डीमोटिवेशन अगर किसी को ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन आप कितना जल्दी उस चीज़ से उभर जाते हैं ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। ओके सर, सर अगर हम बात करें आपकी हॉबीज़ वगैरह की, तो हॉबीज़ वगैरह क्या हैं सर आपकी? मेरे हॉबीज़ हैं प्लेइंग गिटार, प्लेइंग स्नूकर और फूड टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट कुजींस। बेसिकली आई एम अ फूड लवर। ओके, सो सबसे ज़्यादा कौन सा फूड आप पसंद करते हो? तो मैंने सर हर जगह का फूड ट्राई कर रखा है, जैसे कि अवधी कुजीन हो गया, आपको अरबी कुजीन हो गया, लास्ट टाइम अरबी कुजीन, फ्रेंच कुजीन। मेरे को जैसे है कि हर चीज़ मेरे को जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ का चीज़ ट्राई करता हूँ। अब जैसे बिहार गया, बिहार में लिट्टी चोखा पसंद है मुझे, वहाँ का जैसे चंपारण है, चंपारण का मीट बहुत पसंद है, तो वहाँ जाता हूँ तो ज़रूर वहाँ का चीज़ ज़रूर ट्राई करता हूँ। ओके, सो सर अगर हम बात करें जैसे कि आप अभी UPSC के लिए करना चाह रहे हो, तो सर ऐसा क्या है, आप स्टेट पीसेस में एक अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद भी अभी आप UPSC के लिए करना चाह रहे हो, तो ऐसा क्या मोटिवेशन? ये है कि जब तक मेरे अंदर पोटेंशियल जितना है मैं उसका पूरा यूटिलाइज करूँगा। मैं अगर मेरे अंदर आग रहेगी तो मैं और आगे बढ़ते जाऊँगा, इसलिए अभी मैं रुक नहीं रहा हूँ। ओके सर, तो सर अगर हम बात करें जैसे कि आप मुखर्जी नगर एरिया में रहते हो, तो बत्रा सिनेमा के पास तो आप जाते होगे, तो वहाँ का कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो शेयर करना चाहते हो? बत्रा सिनेमा से मेरा हमेशा से एक अलग कनेक्शन रहा है। तो जैसे वहाँ पर कॉफ़ी पीने जाता हूँ, मैं हमेशा कॉफ़ी पीने जाता हूँ, तो कॉफ़ी पीने वहाँ पर यादव जी हैं, उन्होंने जितना IAS IPS देखा होगा शायद ही किसी ने देखा हो, शायद 2004 से ही वो कॉफ़ी बनाते हैं, यादव कॉफ़ी बोल के है, 2004 या 2003 से ही हैं वो वहाँ पे। ओके, तो वहाँ जाता हूँ तो मुझे अच्छा भी फील होता है। वो कभी अपनी बातें शेयर करते हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते थे, अब तो अधिकारी बन के आते हैं, अच्छा लगता है। ओके, कल को मैं भी आऊँगा मिलने। ओके, तो सर अगर हम बात करें जैसे कि आपका कोई सीक्रेट रहा होगा प्रिपरेशन के दौरान, जिससे कि आप कोई एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पा रहे हो, या प्रीलिम्स हो सकता है आपका, मेंस जैसे आपने बताया कि नहीं हुआ था, तो इनमें क्या आपकी समस्याएं आई थी, आपका मेंस नहीं हुआ और प्रीलिम्स आपका आसानी से हो जाता है? प्रीलिम्स का मेरा एक अलग स्ट्रेटेजी है। प्रीलिम्स की तैयारी एक बार होती है, प्रीलिम्स की तैयारी एक बार होती है, उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो प्रीलिम्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं समझाऊंगा कि प्रीलिम्स कैसे आपको इतना सिलेबस को पहले इतना करना है, उसके उतने पे ही उसको तैयारी करना है, कम पढ़ाई करके ज़्यादा आउटपुट लाना है, 100% सिलेक्शन लेना है। ओके, सर अगर हम बात करें आपके जो नए स्टूडेंट्स हैं जो आपके बिहार पीसेस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे वो अभी जो अपकमिंग बिहार पीसेस है, अभी तो फिलहाल 67 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसके लिए जो प्रिपेयर करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए क्या सजेशन है सर? उनके लिए ये सजेशन है कि अभी पहले अपने NCERTs पढ़ें, और घटना चक्र बोल के किताब आती है, जैसे कि घटना चक्र पूर्वालोकन है जी। जैसे ये इंडियन हिस्ट्री की है सपोज, तो इसमें इतनी मोटी 500 पेज की किताब है, इसको आप पढ़ने में इसको हो सकता है महीने लग जाए, लेकिन एक बार अगर आप तैयारी कर लीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरे किताब मैं 3 से 4 दिन में ख़त्म कर देता हूँ। तो ये आपके अंदर आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा उस चीज़ को लेकर। तो PCS क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये डूएबल टास्क है, आप चाहें तो अगर आप ठान ले तो बहुत पॉसिबल है। ओके, तो सर अगर हम बात करें मुखर्जी नगर जैसे एरिया में, एवरेज अगर देखा जाए तो रूम और फूड मिलाकर कितना खर्चा बैठ जाता है?
रूम और फूड मिला के आपको 10 से 15 हज़ार खर्चा बैठ जाता है। जी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपका रूम कैसा है। जैसे मैं सिंगल रूम में रह रहा हूँ तो यहाँ का रूम रेंट अलग है, डबल रूम का रूम रेंट अलग है। जी ओके सो सर, अगर हम बात करें लास्ट में या ऐसी कोई बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और आप शेयर करना चाहते हो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी UPSC या बिहार PCS या स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम में आना चाहते हैं। ये बोलूँगा कि जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है ये एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम लोग हुआ बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका स्ट्रेटेजी सही रहे तो ये बहुत आसान एग्ज़ाम है, कोई बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा कि आप हार्ड वर्क करते रहें और स्मार्ट वर्क भी साथ में करते रहें, ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक करा जा सकता है। ओके सो सर, लास्ट में अगर कुछ और शेयर करना चाहते हो, मोटिवेशनल लाइंस वगैरह हो तो वो प्लीज़। मोटिवेशन लाइंस तो ये है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होते हैं, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होते, जरा पत्थर तबीयत से उछालो यार। ये अभी एस्पिरेंट में आया था तो मुझे सुन के काफ़ी इंस्पायर हुआ था मैं। ये जो SK सर है हमारे उसमें एस्पिरेंट्स में जो है तो काफ़ी इंस्पायर हुआ था। तो एक देखिए, हर चीज़ एक वेब सीरीज हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ हमारे लाइफ से जो जुड़ा रहता है उससे काफ़ी आदमी इंस्पायर हो जाता है। मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुआ था इस लाइन से। आई होप गाइस कि सर की आपको स्ट्रेटजी और उन्होंने जो अपना लाइफ स्ट्रगल या जो भी है उनका मोटिवेशन के लिए आपको बताया अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।